नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। किसान भाइयों, प्याज के किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। प्याज के किसान अब हो जाएं सावधान। 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जो है प्याज का भाव होगा इतना महंगा। सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं कि जो है 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में प्याज के भाव कितने रुपये महंगे होंगे और क्या कुछ उछाल हमारे किसान भाइयों को प्याज के भाव में देखने को मिलेगा, और जो बाहर प्याज जा रहा है इसमें क्या कुछ बढ़ोतरी की जाएगी या नहीं। कंप्लीट जानकारी पाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और चैनल पर पहली बार हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को प्याज के भाव का पल पल अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। जैसा कि किसान भाइयों, अमित शाह द्वारा जो है प्याज के किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। प्याज के किसान जो भी हैं अब उनकी जो है बल्ले बल्ले होने वाली है। 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में जो है प्याज के भाव में बहुत ही भयंकर तेजी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जैसा कि इस समय प्याज की पोजीशन मंडियों में बनी हुई है, वो भी जो है ठीक ठाक बनी हुई है। किसान भाइयों, प्याज के भाव की बात करें तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। वैसे ही जो है प्याज मंडियों में जो है हमारे किसान भाइयों का ठीक ठाक भाव में बिक रहा है। और 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में जब मंडियाँ खुलेंगी और प्याज पहुँचेगा मंडियों में, तो देखते हैं प्याज के भाव में क्या कुछ बढ़ोतरी हमारे किसान भाइयों को प्याज के भाव में देखने को मिलती है। बहरहाल किसान भाइयों, जो प्याज के भाव हैं बहुत ही शानदार हैं, और ये और जो प्याज के भाव बढ़ने हैं वो 2 तारीख के बाद ही पता लगेगा कि प्याज के भाव में कितनी क्या तेजी हमारे प्याज के किसान भाइयों को देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, कोई भी जानकारी आती है मैं आप लोगों को इस वीडियो और चैनल के माध्यम से तुरंत अपडेट कराऊंगा। जानकारी और वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। लाइक के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों को शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को प्याज के भाव का पल पल अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। धन्यवाद।